हिंदी टीचर। बच्चों अपन क्या पढ़े थे? पांटो। पांटो क्या है बच्चों? पांटो क्या है? मुनर हिल। क्या है? मुनर हिल एक पर्वतीय स्थल, यहाँ पर हिल स्टेशन, पर्वतीय स्थल मीन हिल स्टेशन। आपको फिर एक बार पहले से समझाती बच्चों, पहले से आपको क्या पढ़ाई में एक बार फिर से रिवाइज करती बच्चों। देखो यहाँ पर मुनर हिल, ये चित्र में कौन है? एक लड़की है। लड़की का नाम क्या है? प्रज्ञा है। ये किसको पत्र लिख रही बच्चों? अंशिका, इनकी सहेली है, उसका नाम है अंशिका। अंशिका को पत्र लिख रही। किसके बारे में पत्र लिख रही? वे मुनर हिल, वहाँ पर एक पर्यटक स्थल को गई थी। यहाँ पर देखो वहाँ पर क्या क्या देखी उसके बारे में अपनी सहेली को पत्र लिख रही। क्या लिख रही पत्र में? वहाँ पर क्या क्या देखे प्रज्ञा, क्या क्या देखी वहाँ पर, उसके बारे में अंशिका को पत्र लिखे। तो यहाँ पर आप पाठ समझ में आया ना बच्चों आपको? उसके बाद यहाँ पर क्या है आपको? शब्दार्थ है। क्या है? शब्दार्थ। पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन, पर्वतिक टूरिस्ट, पर्यटक टूरिस्ट, लोकप्रिय पॉपुलर, जलप्रपात वॉटरफॉल, प्रक्रिया प्रोसेस, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, संरक्षण कंजर्वेशन, दुर्लभ एक्सटेंट्स रेयर, और खूबसूरती ब्यूटी प्रकृति नेचुरल। आपको ये शब्दार्थ आप ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है, यहाँ पर स्मार्ट बुक में है आपको। मुहावरे, चार चांद लगाना, सुंदरता को और अधिक बढ़ाना। यहाँ पर हिल से हुनर हिल में क्या है? चार चांद लगाना, यहाँ पर ये सब है यहाँ पर, इसलिए ये चार चांद लगाना है। देखो यहाँ पर हथकंड जल प्राप्त है, और टी प्रोसेसिंग संस्थान है, और चाय बागान है, और नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके लिए यहाँ पर ये हुनर हिल क्या है? चार चांद लगाना, ये सब रहने की वजह से यहाँ पर क्या है? सुंदरता को और अधिक बढ़ाना। तो यहाँ पर देखो आपको सही विकल्प चुननी है, हम चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपको समझे। क्या है? प्रज्ञा ने किसे पत्र लिखा? किसे पत्र लिखा? माँ को, बहन को, सहेली को, या भाई को? किसको पत्र लिखा? सहेली को। सहेली कौन है यहाँ पर? अंशिका। तो यहाँ पर सहेली को आपको टिक करना। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए संरक्षित है? नील गाय, नीलगिरी बकरे, नीलगिरी बकरे, हाथी, शेर। क्या है यहाँ पर? नील गाय। गाय तो नहीं है यहाँ पर, अपन तो पाठ में नहीं पढ़े। यहाँ पर क्या है? नीलगिरी बकरे। तो नीलगिरी बकरे को आपको क्या करना है? ठीक करना है। मुनर से इरविकुलम की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर 15 किलोमीटर है, इसको टिक करना है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको छोटा सा एक बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर ऑप्शंस है, आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर सही जगह लिखना है। मुनर में डैश चाय बागान है, कितने चाय बागान हैं? 64। 64 मीन 64। कितने चाय बागान हैं? 64। मुनर से 15 किलोमीटर दूर डैश राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इरविकुलम। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। मुनर की खोज एक डैश ने की थी, मुनर की खोज किसने की थी? अंग्रेज, एक फॉरेनर ने की थी। तो यहाँ पर क्या लिखना है? अंग्रेज ने की थी। मुनर समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की डैश पर स्थित है, कितने समुद्र तल से कितने ऊपर है? 1600 मीटर ऊंचाई पर, यहाँ पर ऊंचाई मीन हाइट, तो बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ पर देखो ऊंचाई, तो पहला क्या है? 64। दूसरा क्या है यहाँ पर? इरविकुलम। तीसरा क्या है? अंग्रेजी। और चौथा यहाँ पर क्या है? ऊंचाई। ये आपको ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, यहाँ पर आपको लिखना है। और यहाँ पर मुनर किस राज्य में स्थित है? प्रश्न उत्तर है यहाँ पर, आंसर द आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको प्रश्न भी, मैं एक एक प्रश्न आपको, एक प्रश्न और एक उत्तर, फिर एक दूसरा प्रश्न दूसरा उत्तर, ऐसा ही आपको लिखा है, बोर्ड पे लिखा है ना बच्चों, ऑलरेडी आपके स्मार्ट बुक में इसके आंसर्स भी आपको है। यहाँ पर मैं प्रश्न उत्तर पढ़ती, देखो बच्चों। मुनर किस राज्य में स्थित है? मुनर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है मुनर? मुनर केरला में स्थित है, केरला राज्य में है ना। तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको स्मार्ट बुक में मैं आपको प्रश्न भी है, वहाँ पर उत्तर भी मैं लिखी बच्चों। मुनर को किसका देश कहा जाता है और क्यों? मुनर को किसका देश कहा जाता है और क्यों? मुनर को उसकी खूबसूरती के कारण ईश्वर का
देश कहा जाता है। मुनर बहुत खूबसूरत स्थल है, इसलिए उसे किसका देश कहा जाता है? ईश्वर का देश। ईश्वर बोले तो कौन? भगवान। भगवान का देश कहा जाता है। चाय बनाने की प्रक्रिया कहाँ पर करीब से देखी जा सकती है? चाय बनाने की प्रक्रिया कहाँ पर करीब से देखी जाती है? टाटा टी प्रोसेसिंग संस्थान में चाय बनाने की प्रक्रिया करीब से देखी जाती है। करीब मीन नज़दीक से देखी, नियर नज़दीक से देखी जा सकती है। प्रज्ञा के द्वारा भेजे गए फोटो आपको कैसे लगे? प्रज्ञा के द्वारा भेजे गए फोटो बहुत ही खूबसूरत लगे। कैसे लगे अपने को? बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर है ना। यहाँ पर प्रज्ञा जो फोटोज भेजे वो कैसे हैं? बहुत सुंदर है। ऐसे ही फोटो आपको गूगल में मुनर हिल बोल के सर्च करें तो आपको और से बहुत से सुंदर पिक्चर्स आपको दिखाई देते, बहुत से सुंदर पिक्चर्स आपको दिखाई देते। आप भी सर्च कर सकते हैं बच्चों, आपके यूट्यूब में या गूगल ऐप में जाके आप कर सकते हैं बच्चों। ये हो गया आपके प्रश्न उत्तर। इसके बाद आज क्या करना है अपने को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिए गए शब्दों को एक और अनेक के सामने लिखना है। यहाँ पर एक वचन है और यहाँ पर अनेक है। एक बोले तो क्या है, देखो यहाँ पर यह है एक चौबीस है। क्या है ये? एक चौबीस है। और यहाँ पर एक चौबीस है और ये पूरे मिलाए तो क्या हो गए? अनेक चौबीस हो गए। क्या हो गए? अनेक। ज्यादा हो गया ना, ये एक है और ये अनेक है, तो ये पूरे मिले तो क्या हो गया? अनेक। एक और अनेक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए एक और अनेक में लिखना है। कैसे लिखना है आपको एक अनेक में, इसका अर्थ क्या है? देखो यहाँ पर भाषा से, यहाँ पर एक बकरा है और यहाँ पर कितने बकरे हैं? यहाँ पर चार बकरे हैं। एक को एक बोलते हैं, अगर अनेक ज़्यादा है तो उसको अनेक कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको उदाहरण है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है। यहाँ पर देखो, यह चित्र एक में एक बकरा है और चित्र दो में चार बकरे हैं। ये एक अनेक का बोध करते हैं। ये क्या क्या कई का बोध करते हैं? एक और अनेक का बोध करते हैं। एक अनेक का बोध करने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक एक वचन और बहुवचन बोलते ना बच्चों, ऐसा ही यहाँ पर एक का एक एक है तो एक वचन, या ज़्यादा है तो उसे बहुवचन वचन कहलाते हैं। एक को एक वचन, दो या दो से अधिक को बहुवचन कहते हैं। एक एक को एक वचन और दो से या दो तीन चार पाँच कितने भी है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ये आपको तेलुगु में भी है, ठीक है। यहाँ पर एक और अनेक है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कैसा लिखना है आपको, मैं समझाती बच्चों। एक क्या है यहाँ पर आपको एक, और दूसरे में क्या है? अनेक। एक वचन
बकरियां, क्या लिखना है? बकरियां, क्या लिखना है? बकरियां। तो ये हो गया एक और अने, क्या हो गया यहाँ पर? एक में क्या है? गाय, लड़का, ताला, घोड़ा, बकरी। अनेक में क्या है? गाय, 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 लड़के, ताले, घोड़े और बकरियां। तो यहाँ पर एक और अनेक, एक और अनेक। देखो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। यहाँ पर भी दस आ गए। देखो गाय, गाय, लड़का, लड़के, ताला, ताले, घोड़ा, घोड़े, बकरी, बकरियां। तो ये हो गए एक और अनेक। यहाँ पर एक और अनेक हो गया आपको। नेक्स्ट बिट क्या है देखो बच्चों। नेक्स्ट में शब्दों को उनके सही अंग्रेजी अर्थों से मिलाइए। यहाँ पर अंग्रेजी अर्थ दिए गए हैं, यहाँ पर हिंदी अर्थ दिए गए हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी, यहाँ पर हिंदी अर्थ को क्या करना है? अंग्रेजी अर्थ से मिलाना है। पहले क्या है? पर्यटक, टूरिस्ट, लोकप्रिय, पॉपुलर, संरक्षण, कंजर्वेशन, खूबसूरती, ब्यूटी। यहाँ पर पहला क्या है? क्या है? पर्यटक। पहला क्या है? पर्यटक। दूसरा क्या है? लोकप्रिय। तीसरा क्या है? संरक्षण। चौथा क्या है? खूबसूरती। क्या है? खूबसूरती। यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है? कंजर्वेशन। दूसरा क्या है? ब्यूटी। तीसरा टूरिस्ट। चौथा पॉपुलर। पॉपुलर तो आपको मैच करना है। पर्यटक क्या है? टूरिस्ट। लोकप्रिय, पॉपुलर। संरक्षण, कंजर्वेशन, खूबसूरती, ब्यूटी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो पर्यटक, टूरिस्ट, लोकप्रिय, पॉपुलर, संरक्षण, कंजर्वेशन, खूबसूरती, ब्यूटी। तो ये है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिए गए शब्दों का क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर कैसे प्रयोग करना है आपको मैं समझाती हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या है आपको, यहाँ पर बोर्ड पे लिख के दिखाती मैं आपको कैसे करना है। यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा टेक्स्ट बुक में ही है। आप अगर टेक्स्ट बुक पूरा पढ़े तो आपको, टेक्स्ट बुक पूरा पढ़े तो भी आपको समझ में आता बच्चों। यहाँ पर क्या है देखो, एक वाक्य है यहाँ पर, आपको उदाहरण भी दिया गया है। क्या है पहला वाक्य? गर्मी। क्या है यहाँ पर? गर्मी। ये हो गया एक शब्द। तो ये शब्द को आप क्या करना है? वाक्य, सेंटेंस बनाना है। क्या करना है आपको? सेंटेंस बनाना है। आज, आज बहुत गर्मी है। क्या है? आज बहुत गर्मी है। ऑलरेडी आपको स्मार्ट बुक्स में ये दिया गया है। अब दूसरा शब्द क्या है यहाँ पर? उद्यान। क्या है? उद्यान। क्या है यहाँ पर? उद्यान। तो इसको कैसे शब्द बनाना है आपको? देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? उद्यान। ये ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में है। यहाँ पर मुन्नार हिल एक उद्यान है ना, राष्ट्रीय उद्यान है ना। यहाँ पर देखो, मैं आज राष्ट्रीय उद्यान गई थी। मैं आज कहाँ गई थी? राष्ट्रीय उद्यान गई थी। ये उद्यान, उद्यान शब्द यहाँ पर आया देखो। हाँ, यहाँ पर गर्मी भी यहाँ पर आया ना। तो ये क्या है? इस शब्द को क्या करना है आपको?
लाए। सब लोग चाय पीते ना, चाय पीते ना सब लोग, बच्चे तो नहीं पीते, बड़े पीते यहाँ पर चाय। तो यहाँ पर चाय आया, देखो शब्द यहाँ पर मुझे एक कप चाय पिलाइए, तो ये यहाँ पर शब्द और ये वाक्य में हो गया। और चौथा क्या है देखो, खूबसूरती। खूबसूरती क्या है? ब्यूटीफुल। खूबसूरती, खूबसूरती क्या है? मुनर की खूबसूरती, मुनर, मुनर की खूबसूरती। अत्यंत, अत्यंत मीन ज्यादा, अत्यंत बोले तो क्या है, ज्यादा, अत्यंत लुभावनी है, लुभाव, लुभावनी, लुभावनी है। बहुत सुंदर है ना, मुनर की खूबसूरती अत्यंत बहुत लुभावनी है यहाँ पर। तो देखो ये चार शब्द आपको यहाँ पर वाक्य में हो गए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर खूबसूरती, देखो खूबसूरती यहाँ पर शब्द में और यहाँ पर वाक्य में आपको आ गया। ये हो गया आपको शब्द, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और नेक्स्ट भी क्या है देखो, सुलेख, सुलेख है यहाँ पर, मुनर है, प्रदूषण है और प्रोसेसिंग है। ये आपको यहाँ पर सुंदर बॉक्स में लिखना है, ये आपके स्मार्ट बुक में है। और यहाँ पर भी आपको क्या है, खूबसूरती क्या है देखो, यहाँ पर खूबसूरती पर्यटक बागान, तो आपको ये यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर श्रुतिलेख दिए गए हैं, ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं और कठिन शब्द है, जो पाठ में आपको कठिन शब्द हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। छुट्टी प्रमुख, छुट्टी प्रमुख, पर्वतीय लोकप्रिय, दुर्लभ, प्राकृतिक, प्रसिद्ध, राष्ट्रीय उद्यान, जलप्रपात, तो यहाँ पर आपको कठिन शब्द दिए गए। देखो बच्चों ये है श्रुतिलेख डिक्टेशन वर्ड से। दृश्य देखकर इसके बारे में चार पांच वाक्य लिखें। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, ये देखकर आपको यहाँ पर लिखना है। ये कह का दृश्य है, सुबह का दृश्य है, और यहाँ पर इसमें दृश्य में क्या दिखाई दे रहा आपको, और ये क्या 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 है यहाँ पर ये चित्र में, आपको यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है, अपने आप ये करना है। अगर अपने आप आपको समझ में नहीं आ रहा तो जब जूम क्लास में लेती ना, जब आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते बच्चों। पढ़िए और जानिए दक्षिण के कुछ शहरों एवं राज्यों के उपनाम, तो यहाँ पर उपनाम और एक नाम है, शहर, राज्य और उपनाम, उसके कई नाम है ना, ऐसे ही उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या है देखो, उपनाम है, अलग नाम। अब मेरा नाम है ना तो मेरा नाम सपना है, और मेरा भी और एक भी नाम है, तो ऐसा ही उपनाम, अलग दूसरे नाम से भी मुझे पुकारते हैं, उसे उपनाम कहते हैं। हैदराबाद, हैदराबाद को कौन से नाम से जाना जाता है, उपनाम क्या है उसका, मोतियों का शहर। अपने हैदराबाद में चांदनार के पास मोती बाजार है, वहाँ पर क्या है, मोतियों का शहर है, मोतियों के शहर के नाम से बहुत मशहूर है। और यहाँ पर केरला, ईश्वर का अपना घर, ईश्वर का अपना घर, केरला को और कौन से नाम से जाने जाते हैं, ईश्वर का अपना घर। तमिलनाडु, तमिलियों का घर, तमिलनाडु में क्या है और कौन से उपनाम से जाने जाते हैं, तमिलियों का घर। मैसूर, पर्यटकों का स्वर्ग, मैसूर क्या है, पर्यटकों का स्थल है, यहाँ पर स्वर्ग है। तो यहाँ पर कौन से ये शहर और राज्य के नाम है और यहाँ पर उपनाम है, ये खाली आपको पढ़ने के लिए है, जानने के लिए है। बच्चों इतना ही, आप आज इतना ही काफ़ी है बच्चों, आपका पार्ट दो पूरा आज कंप्लीट हो गया। कुछ और डाउट्स है तो आप जूम क्लास में पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।